सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि आप सभी को ध्यान होगा, हमने आपको अपने पिछले डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारतीय सीमाओं की सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ाने के लिए अब भारत इसराइल द्वारा विकसित की गई स्मार्ट फेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। तो आज के एपिसोड में हम ये जानेंगे कि इस स्मार्ट फेंसिंग टेक्नोलॉजी में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से भारत ने इसे इस्तेमाल करने का फैसला लिया है, और इसके साथ ही हम इस परियोजना के करंट स्टेटस के बारे में भी बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे चहेते पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की ओर से लगातार सरहद पर घुसपैठ होती रहती है और आतंकी उस पार से इस पार आते हैं और हमारे देश को नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि इन सीमाओं पर हमारी बीएसएफ के जवान दिन रात चौकसी करते हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान की सीमा इतनी लंबी है कि इसमें कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर चौकसी कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, और इन्हीं जगहों से ये आतंकी देश में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर भारत ने एक स्मार्ट फेंसिंग परियोजना को शुरू करने का फैसला लिया है, जिसे शुरू किया गया है कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम यानी CIBMS परियोजना के तहत। इस CIBMS परियोजना के तहत कुछ ऐसे नए गैजेट्स और टेक्नोलॉजीज को शामिल किया जाएगा जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की इलेक्ट्रॉनिक सर्विलियंस को सुनिश्चित करेंगे। और इस परियोजना में दो प्राइवेट फर्म्स टाटा पावर SED और DATCON को शामिल किया गया है। और इसी परियोजना के तहत एक ऐसी स्मार्ट फेंस यानी कि एक ऐसी बाड़ का इस्तेमाल किया जाएगा जो लेजर एक्टिवेटेड होगी, और इसमें घुसपैठियों को अंदर घुसने से रोकने के लिए कई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया होगा। ये स्मार्ट फेंसिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज से लैस होगी, जिसमें नाइट विजन कैमरे, हैंड हेल्ड थर्मल इमेजेस, बैटल फील्ड सर्विलेंस रडार के अलावा डायरेक्शन फाइंडर, ग्राउंड सेंसर, हाई पावर टेलीस्कोप और CCTV कैमरे भी लगे होंगे। और शुरुआत में इन फेंसिंग को जम्मू में 5.5 किलोमीटर की रेंज में स्थापित किया जाएगा। और ये स्मार्ट फेंसिंग इतनी ज्यादा एडवांस होगी कि ये हवा, पानी, जमीन और यहाँ तक कि जमीन के नीचे की घुसपैठ को भी रोकने में सक्षम होगी, क्योंकि इसमें अंडरग्राउंड सेंसर्स भी लगाए गए हैं ताकि घुसपैठ ये सुरंग खोद कर जमीन के नीचे से देश में दाखिल ना हो सके। और बर्फ गिरे, बारिश हो, धूल की आंधी चले या फिर घना कोहरा हो, ये हर मौसम में निगरानी करने के लिहाज से डिजाइन किया गया है। और अगर बात करें इसके करंट स्टेटस की, तो फिलहाल इसे पायलट प्रोजेक्ट की तर्ज पर लगाया जाएगा, यानी कि इसे कुछ ऐसी खास जगहों पर इस्तेमाल किया जाएगा जहां पर सबसे ज्यादा घुसपैठ होती है, और फिर आगे चलकर इसे पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी पूरी सीमा पर लगाए जाने की योजना है। हालांकि आप सभी ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पोस्ट जरूर देखे होंगे जहां पर आपको दिखाया जा रहा होगा कि फेंसिंग अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर लग चुकी है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस परियोजना को शुरू करने का ऐलान अभी हाल ही में 17 सितंबर 2018 को किया गया था, और इसीलिए इतनी जल्दी इस फेंसिंग का लग जाना लगभग नामुमकिन है। और इससे रिलेटेड आपने सोशल मीडिया पर जो भी पोस्ट देखे हैं वो बिल्कुल फेक हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अभी फिलहाल लॉन्च ही हुआ है और जम्मू सेक्टर में इसका काम शुरू किया गया है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट फेंसिंग की दीवार BSF के जवानों को अत्यधिक दुर्गम क्षेत्रों में भी घुसपैठ रोकने में मदद करेंगी। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।